जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज के पहले प्रश्न से खंड ए के अंदर पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या मानवतावाद? दूसरा प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है 15 से 64 वर्ष, 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। तीसरा है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? श्रीलंका, ट्रिनिडाड, टोबेको या उपर्युक्त सभी? चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? कृषि, बुनाई, व्यापार या आखेट? पांचवा है, स्वीज नहर किन को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से या इनमें से कोई नहीं? छठा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा के नीचे है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मणिपुर? सातवां प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद राजस्थान के किस जिले में चलाया गया? अलवर, हनुमानगढ़, जैसलमेर या सीकर? आठवां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी, अमेरिका, रूस या फ्रांस? नौवां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने ब्रंटलैंड रिपोर्ट यानी अवर कॉमन फ्यूचर है वो कब प्रस्तुत की? 1972 में, 1987 में, 1968 में या 1982 में? इन नौ प्रश्नों के तो आपको सीधा जो भी उत्तर है एबएसएदे में वो लिखना है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जो रिक्त स्थानों वाला है। पहला है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये बताना है। जो रिक्त स्थान का उत्तर है सिर्फ वही लिखना है, पूरा प्रश्न रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में रिक्त स्थान का नाम दिया गया, भी क्या कहते हैं वहां पर। तीसरा, मेगालोपोलिस का प्रयोग 1957 में किसने किया। चौथा है, धरातलीय और भौमजल का सबसे अधिक उपयोग रिक्त स्थान में होता है। तो चार रिक्त स्थान के प्रश्न हो गए एक एक नंबर के। अच्छे से पेपर को समझ के फिर सॉल्व कीजिए। अगला तीसरा प्रश्न है, एक एक नंबर वाला अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, किस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं, ये बताना है। दूसरा है, वायु प्रदूषण से होने वाली दो बीमारियों के नाम लिखिए, वही कौन से तंत्रों को प्रभावित करते हैं वो चीजें लिखनी है। तीसरा, आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। चौथा है, विवर्त खनन जिसे धरातलीय खनन भी कहते हैं को सबसे सस्ता खनन है वो क्यों कहते हैं। तो ये चार प्रश्न हो गए। खंड बैक की तरफ बढ़ते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न है। चौथा है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग लिखिए। पांचवा, मानव विकास के किन्हीं तीन स्तंभों के नाम लिखिए। छठा, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत के प्रमुख प्रयास समझाइए। सातवां, किन्हीं तीन प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम और उनके मुख्यालयों के नाम लिखने हैं। आठवां, अंतरदेशीय पतन और बाह्य पतन में अंतर लिखिए। नौवां, ग्रामीण बस्तियों की कोई तीन समस्याएं हैं वो लिखनी है। दसवां, ग्रामीण नगरीय संगठन पर टिप्पणी लिखिए, इसको आप भारत के संदर्भ में लिख सकते हैं। ग्यारहवां है, प्रवास के कोई दो कारण लिखिए। बारहवां, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में दो आधारभूत अंतर लिखिए। तेरहवां, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ मैंने आपके अभ्यास के लिए अभी आप दोनों में से एक कर सकते हो, कहने का मतलब यही है अभी इन दोनों टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार है वो करना है फाइनल पेपर के लिए, यहाँ अभी एक ही कर सकते हो आप। चौदहवां है, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई तीन सुझाव है वो दीजिए। पंद्रहवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में समुद्री पतन का विश्लेषणात्मक अध्ययन है वो कीजिए। तो ये एक डेढ़ डेढ़ नंबर के क्वेश्चन हो गए खंड बै के। अब बढ़ते हैं खंड सै की तरफ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तीन तीन नंबर के। सोलहवां, भारत में पर्यटन आकर्षण के तीन कारकों की विवेचना कीजिए। सत्रहवां, भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास को संक्षेप में समझाइए। अठारहवां है, भारत में राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाओं को समझाइए। प्रश्नों को अच्छे से समझें,
आपको इसी प्रकार के प्रश्न या इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। खंड द निबंधात्मक प्रश्न है, चार चार नंबर के हैं और आपको पता है इसमें अथवा मिलेगा और कोई एक प्रश्न है वो करना होता है अथवा में से। 19वां है विनिर्माण किसे कहते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, ये कर सकते हो। अथवा अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है फिर भी औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, इसके पिछड़ा होने के कोई चार कारणों की विवेचना कीजिए। अभी एक कीजिए लेकिन आपको ये दोनों प्रश्न हैं वो फाइनल पेपर के लिए तैयार करने हैं। 20वां प्रश्न है कि भारत के भू उपयोग वर्गीकरण को समझाइए अथवा भारत में भू उपयोग परिवर्तन पर लेख लिखिए। बहुत प्यारे प्रश्न हैं तो अच्छे से आप इनको करना भी है और तैयार भी करना है फाइनल पेपर के लिए। और लास्ट में बात करते हैं मानचित्र के, जिसमें पहला है विश्व मानचित्र का कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न क्षेत्रों को दर्शाइए, स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्स और डाउन्स। आपको पता है ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, विश्व मानचित्र पर इनको आपको प्रदर्शित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22वां है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए, जयपुर, शिमला, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, इनको दर्शाना है। तो अच्छे से इनकी लोकेशन है वो आप मानचित्र में दर्शाइए। तो ये था आपका प्री बोर्ड 2 पेपर। अगला जो पेपर है वो 14 तारीख को होगा, यानी वीकली अब आपका ज्योग्राफी का एक पेपर होगा और उसके बाद में 21 को किस प्रकार के वेरिएशन के साथ बोर्ड का पेपर आ सकता है उस पर आधारित पेपर भी मैं आपके सामने आगे 2 पेपर है वो प्रस्तुत करूंगा। तो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। जिस किसी बच्चे को अभी भी लगता है प्रिपरेशन कम है, मैं कह रहा हूँ मैं जो आपके सामने ये ज्योग्राफी प्री बोर्ड की जो पेपर प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये दूसरा पेपर है आज, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, आपके 100% आपके जो सपने हैं वो आप अचीव कर लेंगे। आप सब बच्चों को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से लगे रहिएगा, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। चलिएगा 14 तारीख को पूरे सिलेबस से अगले तीसरे पेपर के साथ फिर हाजिर रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।